ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम श्रीमद् भागवत गीता के छठा अध्याय की कथा सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। छठा अध्याय आरंभ, आत्म संयम योग। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में शक्ति नहीं और फिर भी कर्मों को करता है, वह सन्यासी और योगी है। जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं, वे कदापि योगी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं, उसी को कर्मयोग जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्त की इच्छा रखते हैं, उनके लिए उनका साधन कर्म ही है। उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन है, उनके चित्त का समाधान है। आप ही अपना उद्धार करें और आत्मा को अवनत होने से रोकें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है, वह स्वयं ही अपना हितकारी है। और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीतुषण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी है। सुहृद मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ द्वेष करने योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है, वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान में बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना अति उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्र भाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहें। वैर रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। मन को रोककर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योग अभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। जो अधिक भोजन करता है, अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर से सोता जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग्य रीति में पालन करता है तथा जो यथा समय सोता और जागता है, योग ऐसे पुरुष के दुख मिटा देते हैं। तब संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में हो जाता है और मन कामनाओं से निर्वृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योग अभ्यास के कारण चित्त का वेग रुककर विषयों से पृथक होकर लगता है और जब शुद्ध अंतकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा नहीं जा सकता, वर्ण केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तो आत्मा स्वरूप में स्थिर हो उससे विचित नहीं होता। इस अवस्था में फिर और कोई लाभ उसे अच्छा नहीं लगता और स्थिर होने पर कोई बड़ा भारी दुख उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों को चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा लें और भली भांति मन को आत्मा में निर्भर स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा ना करें और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर से इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है, उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों में मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे और वह मुझसे अलग नहीं रहते। जो अभेद भाव हो रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में भी रहे मुझे मिल ही जाता है। जो समस्त प्राणियों में सुख दुख को अपने ही दुख सुख के समान समझता और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन,
आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखें, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। यह चंचल मन बड़ा ही हठी परकर्मी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो मुझे वायु को बांध रखने के समान प्रतीत होता है। इसलिए कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बड़ा ही कठिन है। तो भी अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ है और जिसका चित्त योग से विचलित हो गया है, वह योग सिद्ध न पाने से किस गति को प्राप्त होता है? कृष्ण बोले, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवान को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहाँ से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जाकर जन्म लेता है। वह योगियों के वंश में जन्म लेकर पूर्व जन्म के बुद्धि संस्कार अर्थात आत्मज्ञान को पाता है, उससे अधिक सिद्धि के लिए यत्न करता है। पूर्व जन्म में किसे किए योग्याभ्यास के बल में अनेक विघ्नों के पड़ने पर भी मोक्ष को प्राप्त होता है। योग की केवल इच्छा ही हो तो पुरुष शब्द ब्रह्म को परे जा पहुँचता है। जो बड़े परिसर में और शतन से योग्याभ्यास करता है वह मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ हैं, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होते हैं, और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इसलिए तुम योगी बनो, केवल मुझ में ही मन त्याग लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है उसको समस्त योगियों में से मैंने अत्यंत श्रेष्ठ माना है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। छठा अध्याय समाप्तम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।